गुंडों के उस सरगना रामपुरी दादा ने अपने नुकीले धारदार चाकू से अजीत पर जानलेवा हमला कर दिया अजीत ने किसी तरह से किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है मुश्किल है नामुमकिन नहीं आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के लॉयन कहे जाने वाले मशहूर एक्टर अजीत की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ एक फौजी अफसर का बेटा कैसे बन गया एक खूंखार डाकू एक खूंखार डाकू कैसे बन गया बॉलीवुड का मशहूर विलन अजीत अजीत ने क्यों अपनी पत्नी को छोड़कर कर ली एक नाबालिग लड़की से शादी बॉलीवुड के जुबली कुमार कहे जाने वाले मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार ने अजीत पर ऐसा कौन सा एहसान किया था जिसकी वजह से अजीत पूरी जिंदगी भर राजेंद्र कुमार के आगे नतमस्तक रहते थे क्या है अजीत और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दस रुपए की शर्त वाला किस्सा बॉलीवुड के लॉयन कहे जाने वाले मशहूर विलेन अजीत को क्यों आखिरी वक्त में खेती किसानी करके जिंदगी गुजारनी पड़ी इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं अजीत का जन्म 27 जनवरी सन 1922 को हैदराबाद रियासत के गोलकुंडा शहर में हुआ था बहुत कम लोगों को मालूम है कि अजीत का असली नाम अजीत था ही नहीं अजीत का असली नाम था हामिद अली खान अजीत के अबू का नाम था बशीर अली खान जो कि हैदराबाद के निजाम की सेना में अधिकारी थे अजीत की अम्मी का नाम था सुल्तान जहां बेगम अजीत के चार छोटे भाई थे मगर एक छोटे भाई वाहिद अली खान के बारे में ही जानकारी मिलती है आज़ादी के पहले शरीफ खानदान के बच्चों को फिल्में देखने की इजाज़त नहीं होती थी उस पर अजीत के अब्बू बशीर अली खान तो फौजी अफसर थे इतने सख्त थे कि रास्ते में अगर सिनेमाघर दिख जाए तो अपने हाथों से अजीत की आंखें बंद कर देते थे मगर किस्मत की बात थी कि अजीत के मामू जान के पास हैदराबाद के दो सिनेमा घरों में कैंटीन चलाने का ठेका था मामू के साथ अजीत को फिल्म देखने पर कोई रोक टोक नहीं थी लिहाजा अजीत मामू जान को पटा लेते थे और खूब फिल्में देखा करते थे बचपन में खूब फिल्में देखने की वजह से अजीत के दिल में बचपन से ही अभिनय के प्रति जुनून पैदा हो गया स्कूल की पढ़ाई में अजीत का मन नहीं लगता था किसी तरह से स्कूल पास कर अजीत कॉलेज में पहुंचे। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि हैदराबाद के जिस कॉलेज में अजीत पढ़ते थे उसी कॉलेज में उनसे दो साल सीनियर एक लड़का पढ़ता था जो कई साल बाद जाकर भारत का प्रधानमंत्री बना जिसका नाम था पीवी वी नरसिम्हा राव कॉलेज में भी अजीत का वही हाल था कॉलेज में जाकर उनका मन लगता था कॉलेज में होने वाले नाटकों में अभिनय करने में बजाय पढ़ाई करने की पढ़ाई तो वो बिल्कुल ही नहीं करते थे जिसका नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट ईयर की परीक्षा हुई और अजीत सभी विषयों में फेल हो गए अजीत क्लास के इकलौते स्टूडेंट थे जो फेल हुए थे लिहाजा उनके क्लास टीचर ने भवि क्लास में सबके सामने उन्हें डांटते हुए कहा कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं या तो वो अपने अबू से कहकर अपने अबू की ही तरह फौज में भर्ती हो जाएं और या तो वो फिल्मों में अभिनय करने के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करें अजीत के टीचर ने ये बातें गुस्से में कही थी मगर अजीत को उनकी डांट का बुरा नहीं लगा वो तो टीचर की बातों पर गहराई से विचार करने लगे अजीत के अबू बहुत ही सख्त थे अजीत जानते थे कि जब उन्हें मालूम चलेगा कि अजीत एग्जाम में फेल हो गए हैं तो पहले तो वह अजीत को बहुत मारेंगे उसके बाद ज़बरदस्ती उन्हें फ़ौज में भर्ती करवा देंगे अजीत ने फैसला किया कि वो फिल्मों में अभिनय करने के अपने सपने को पूरा करेंगे उस शाम घर आकर अजीत ने अपने अबू बशीर अली खान से झूठ कहा कि वो एग्ज़ाम में पास हो गए हैं अजीत ने अपनी अम्मी सुल्तान जहां बेगम से कुछ किताबें खरीदने का कहकर कुछ पैसे लिए उसके बाद उनके पास जितनी भी किताबें थीं उन किताबों को बेच दिया और कुल मिलाकर जेब में एक सौ तैंतीस रुपये रख कर घर में बिना किसी को भी बताए घर से भाग कर ट्रेन में बैठ कर फिल्मों के मक्का कहे जाने वाले बम्बई के लिए निकल पड़ी अजीत के मुताबिक ट्रेन में बैठे बैठे वो सोच रहे थे कि वीटी स्टेशन पर उस जमाने के बड़े बड़े निर्माता निर्देशक जैसे वी शांताराम केदार शर्मा महबूब खान हाथों में फूलमाला लिए हुए उनका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे अजीत के विचार में उस वक्त पूरे देश में केवल एक वही ऐसे इंसान थे जो फिल्मों में काम करने के बारे में सोच रहे थे जाहिर है अजीत की इन उम्मीदों को बड़ा गहरा झटका लगा बंबई पहुंचकर अजीत को मालूम हुआ कि फिल्मों में काम करने का सपना देखकर बंबई आना बहुत आसान है मगर बंबई में आकर फिल्मों में काम मिल जाना न तब आसान था न आज आसान है अजीत दिन भर फिल्मों में काम पाने के चक्कर में फिल्म स्टूडियोज़ के चक्कर काटते और रात को दक्षिण बंबई की मोहम्मद अली रोड पर सड़क किनारे नाला बनाने में उपयोग की जाने वाली सीमेंट की बड़ी बड़ी पाइपों में सो जाया करती थी अजीत के अलावा वहाँ और भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने उन सीमेंट की पाइपों को अपना डेरा बना रखा था अजीत को मालूम नहीं था कि ये वो इलाका था जहाँ के कुछ लोकल गुंडे उस इलाके में रहने वाले हर बाशिंदे से हर हफ्ते हफ़्ता वसूलते थे और जो उन्हें हफ्ता नहीं देता था उसे मार मार कर वहाँ से बाहर निकाल देते थे इन गुंडों ने अजीत से भी हफ्ता वसूलने की कोशिश की ये देख अजीत अपने आपे से बाहर हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने उन गुंडों की ही पिटाई कर दी चूँकि अजीत ने उस इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन चुके उन खतरनाक गुंडों की ही धुनाई कर दी इसी वजह से अजीत अब उस इलाके में उन गुंडों से भी बड़े गुंडे बन गए इस घटना के बाद अजीत को उस इलाके में इलाके का डाकू कहकर बुलाया जाने लगा लोग उनसे खौफ खाने लगे मगर धीरे धीरे लोग समझ गए कि अजीत दिल के बुवे नहीं दिल के अच्छे इंसान हैं बस अब तो अजीत उन गरीब लोगों के हीरो बन गए वो हीरो जिन्होंने उन लोगों को गुंडों के शोषण से मुक्ति दिलवाई थी इस हीरोपंक्ति का सबसे बड़ा फ़ायदा अजीत को ये हुआ कि अब उन्हें अपने खाने पीने की चिंता नहीं थी वही आसपास के लोग हर रात अजीत के लिए खाने का इंतजाम कर देती थी मगर अजीत को मालूम नहीं था कि उनकी जिस हिवपंथी की वजह से उन्हें इतना बड़ा फ़ायदा मिला है उनकी उसी हेवपंथी की वजह से उनकी जान पर बनाएगी दरअसल हुआ ये कि जिन गुंडों की अजीत ने पिटाई की थी उन गुंडों का एक सरगना था जिसका नाम था रामपूवी दादा एक रात रामपूवी दादा अपने कुछ साथियों के साथ अजीत से बदला लेने के लिए वहाँ पहुँचा गुंडों के उस सरगना रामपुरी दादा ने अपने नुकीले धारदार चाकू से अजीत पर जानलेवा हमला कर दिया अजीत ने किसी तरह से आसपास के लोगों की मदद से अपनी जान बचाई और भाग कर सीधा नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई उसके बाद पुलिस ने रामपुरी दादा और उसके सभी साथियों को अजीत पर जानलेवा हमला करने की कोशिश के अपराध में जेल भेज दिया इस घटना के बाद अजीत उस इलाके से चली गई और उन्होंने दक्षिण मुंबई के ही एक इलाके में पाँच रुपये पर मंथ के किराए पर एक कमरा ले लिया वो कमरा इतना छोटा था कि अजीत जैसा छः फुटिया इंसान अपने पैर सिकोड़ कर बड़ी मुश्किल से उसमें समा सकता था फिल्मों में काम पाने की अपनी कोशिशों के दौरान अजीत ने फिल्म स्टूडियोज़ फिल्म डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के घर बंगले के बाहर सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात अफगान पठानों से अपनी पश्तो जबान पर खास पकड़ के चलते बड़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी जिस दोस्ती का उन्हें फ़ायदा ये मिला कि एक दिन उनके एक ऐसे ही दोस्त सुरक्षा गार्ड अफ़गान पठान ने उनकी मुलाकात करवा दी डायरेक्टर मजहर खान से डायरेक्टर मजहर खान ने अजीत की ऊंची कदकाठी और रबीली आवाज़ को देखते हुए अपनी फिल्म बड़ी बात में अजीत को एक टीचर का छोटा सा रोल दे दिया इसके बाद अजीत ने तकरीबन तीन सालों तक छः फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया एक दिन अजीत की मुलाकात हुई डायरेक्टर के अमरनाथ से जिन्होंने अजीत के साथ एक हज़ार रुपये प्रति माह का करार कर लिया साल उन्नीस सौ में अजीत ने डायरेक्टर के अमरनाथ की फिल्म बेकसूर से एक हीरो के तौर पर अपना बॉलीवुड डेब्यू किया इस फिल्म में उनके अपोजिट हीरोइन थी मधुबाला फिल्म बेकसूर की ही शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के अमरनाथ ने अजीत से कहा कि उनका नाम हामिद अली खान बहुत ही लंबा है जो कि एक फिल्म एक्टर के लिए ठीक नहीं फिल्म एक्टर के लिए जरूरी है कि उसका नाम छोटा और कैची हो उन्होंने अजीत को सलील जतिन और अजीत इन तीन नामों का सुझाव दिया जिसमें से अजीत को अजीत सबसे ज़्यादा पसंद आया लिहाजा फिल्म बेकसूर के मूवी क्रेडिट से अजीत का नाम हामिद अली खान से बदल कर अजीत हो गया इसके बाद नास्तिक शाहि मिस्र हातिम हातिमताई चिलमन आप बीती और जीवनसाथी जैसी फिल्मों में अजीत ने बतौर हीरो काम किया नरगिस को छोड़कर मधुबाला मीना कुमारी शम्मी निम्मी और निगा सुल्ताना जैसी उस ज़माने की कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया सबसे ज़्यादा नलिनी जयवंत के साथ पंद्रह फिल्मों में काम किया इस दौरान अजीत को गुएन नाम की एक क्वेश्चन लड़की से मोहब्बत हो गई अजीत ने उस क्वेश्चन लड़की गुएन से शादी कर ली अजीत काम तो बहुत सी फिल्मों में कर रहे थे मगर नास्तिक को छोड़कर इनमें से एक भी फिल्म हिट नहीं हुई थी जिसका नतीजा ये हुआ कि साल उन्नीस सौ आते आते अजीत को बतौर लीड रोल फिल्में मिलना ही बंद हो गई बतौर सेकेंड लीड रोल या बतौर कैरेक्टर रोल फिल्में मिलने लगी जैसे फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के दोस्त का रोल फिल्म मुगल आजम में राजपूत दुर्जन सिंह का रोल अजीत ऐसे रोल्स को एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहते थे मगर चूंकि उनके पास अर्निंग का कोई ऑफसोर्स नहीं था इसलिए उन्हें मजबूरी में ये रोल्स एक्सेप्ट करने पड़े और साल उन्नीस सौ आते आते तो ऐसे हल हो गए कि अजीत को फिल्में मिलना ही बंद हो गई अजीत बेरोजगार हो गई दो ढाई साल तक यही हालात बने रही एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में अजीत के सबसे पक्के दोस्त जुबली कुमार कहे जाने वाले एक्टर राजेंद्र कुमार ने अजीत को फ़ोन किया और कहा कि साउथ इंडियन फिल्मों के एक प्रोड्यूसर टी प्रकाश राव एक हिंदी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसका नाम है सूरज इस फिल्म में वो यानी राजेंद्र कुमार खुद और वैजयंती माला पॉजिटिव किरदारों में है राजेंद्र कुमार चाहते थे कि अजीत इस फिल्म में निगेटिव किरदार यानी विलन का किरदार निभाएं विलन का किरदार निभाने में अजीत थोड़ा हिचक रहे थे ऐसे में राजेंद्र कुमार ने उन्हें समझाया कि हीरो के तौर पर तो उनका कैरियर अब खत्म हो ही चुका है विलन के तौर पर ट्राई करके देखें क्या पता कुछ करिश्मा हो जाए कुमार की ये बात सुन अजीत फिल्म सूरज में विलन के तौर पर काम करने के लिए राजी हो गए। सूरज फिल्म सुपरहिट साबित हुई अब इस फिल्म में विलन के तौर पर अजीत के काम को पसंद किया गया जिसे देख ही फिल्म का लेख टंडन ने अजीत को अपनी फिल्म प्रिंस में बतौर विलन कास्ट किया जहां एक तरफ अब अजीत के कैरियर की गाड़ी पटरी पर वापस आने लगी थी वहीं उनकी व्यक्तिगत जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतरती ही जा रही थी अपनी पत्नी ग्वेन के साथ उनके रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे थे एक कारण तो था अलग अलग धर्म अलग अलग रीति रिवाज दूसरा कारण था बे होना साल 1965 में अजीत की जिंदगी में एंट्री हुई सारा की सारा एक हाफ कैनेडियन हाफ मुस्लिम लड़की थी जो बम्बई के बांद्रा इलाके में मौजूद महबूब स्टूडियोज़ के सामने वाले बंगले में रहा करती थी उन दिनों टेलीफोन्स बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे बहुत कम घरों में हुआ करते थे मगर सारा के घर में एक टेलीफोन हुआ करता था इसीलिए जब भी महबूब स्टूडियोज़ का टेलीफोन ख़राब हो जाता था महबूब स्टूडियोज़ के सभी कर्मचारी सारा के बंगले के टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे अजीत अक्सर टेलीफोन इस्तेमाल करने के बहाने छुप छुप कर सारा से मिलते थे धीरे धीरे अजीत और सारा के बीच प्यार के फूल खिलने लगे और एक दिन अजीत ने अपनी पत्नी गोवंद को तलाक देकर सारा से शादी कर ली कुछ इंटरनेट वेबसाइट्स बताती हैं कि जब अजीत ने सारा से शादी की थी तब सारा नाबालिग थी मगर ऐसा नहीं ये झूठ है हाँ अजीत और सारा के बीच तकरीबन अट्ठारह उन्नीस साल का अंतर जरूर था मगर सारा नाबालिग नहीं थी अजीत उस वक्त एज वाइज फोर्टी प्लस थे और सारा ट्वेंटी प्लस थी। सारा से शादी के बाद अजीत और सारा के तीन बेटे हुए शहजाद अरबाज और आबिद इधर अजीत जीवन मृत्यु राजा और जमाने का दुश्मन जैसी फिल्मों में बतौर विलन एक के बाद एक लगातार काम कर रहे थे मगर अब तक उन्हें एक ऐसी फिल्म नहीं मिली थी जिससे वो हिंदुस्तान के घर घर में पहचाने जाने लगी साल उन्नीस में उन्हें एक ऐसी ही फिल्म मिली जिसका नाम था जंजीर इस फिल्म में अजीत ने तेजा का किरदार निभाया इस फिल्म में अजीत अपने किरदार के साथ कुछ अलग करना चाहते थे कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक हिंदी सिनेमा में कभी ना हुआ हो किसी हिंदी फिल्म में ना हुआ हो चूँकि जनजीव के स्टोरी राइटर सलीम खान के साथ अजीत की बहुत अच्छी दोस्ती थी बहुत कम लोग जानते हैं कि अजीत ही सलीम खान को भोपाल से बम्बई लेकर आई थी इसलिए सलीम खान के साथ मिलकर अजीत ने फिल्म जंजीव के अपने किरदार तेजा में बहुत सारे चेंजेस किए अजीत ने गौर किया था कि हिंदी सिनेमा के विलन तब तक या तो डाकू या जमींदार या महाजन होते थे अनपढ़ गवार गंदे संदे कपड़े पहने हुए बड़ी बड़ी मूछे हुआ करती थी गुस्से से लाल सुर्ख आँखें हुआ करती थी बदतमीजी से बेज्ज़ती करते हुए जोर जोर से बात करते थे खुलेआम अपराध करते थे जिसकी वजह से समाज में बुराई के प्रतीक माने जाते थे अजीत ने फिल्म जंजीव के विलन तेजा के किरदार में ये सारी चीज़ें उलट दी फिल्म जंजीव में अजीत ने जिस विलन का किरदार निभाया वो बहुत ही पढ़ा लिखा था सूट पहनता था टाई टाईबोर लगाए सफ़ेद बूट पहनता था हॉलीवुड स्टार क्लार्क गेबल की तरह कविने से सजी उसकी मूछे थी फोटोकॉमिक लेंस का काला चश्मा लगाए बहुत ही इज्जतदार और संभ्रांत नागरिक था हमेशा शांति और सौम्यता से मीठी आवाज़ में बात करता था खुलेआम समाज में कोई अपराध कोई बुरा काम नहीं करता था जिसकी वजह से समाज में वह अच्छाई का प्रतीक था समाज में उसे देवता समझा जाता था मगर वही इंसान कभी भी कहीं भी किसी को भी गोली मार सकता था कड़ी से कड़ी यातना दे सकता था बुरे से बुरा काम कर सकता था बाहर से उसे देखकर कोई ये समझ ही नहीं सकता कि ये शख्स अंदर से कितना बड़ा शैतान है हिंदी सिनेमा के दर्शक सत्तर एम के पर्दे पर पहली बार एक ऐसे विलेन को देख पहुँचक रह गए जंजीर वो पहली फिल्म थी जिस फिल्म से अजीत घर घर में लोकप्रिय हो गए जंजीर के तुरंत बाद ही उन्होंने यादों की बारात फिल्म में काम किया ये फिल्म भी अजीत के करियर के की बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है इस फिल्म में उन्होंने शाकाल नाम के एक गैंगस्टर का किरदार निभाया था इस फिल्म में एक सीन है जिसमें अजीत का पैर रेलवे लाइन की पटरी में फंस जाता है और सामने से ट्रेन आ रही है अजीत अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस सीन की शूटिंग के दौरान वाकई में अजीत का पैर पटरी में फंस गया था और सामने से ट्रेन आ रही थी जब ट्रेन मात्र पचास मीटर की दूरी पर रह गई तब जाकर झटके से अजीत का पैर बाहर निकला और अजीत धक्का खाकर पीछे एक गहरे गड्ढे में गिर गए इसके बाद अजीत ने कहानी किस्मत की जुगनू धर्मा छुपा रुस्तम वारंट खोटे सिक्के प्रतिज्ञा चरस मिस्टर नटवर ज्योति देश परदेश आजाद और राम बलराम जैसी एक के बाद एक फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम किया फिल्म काली चरण में अजीत का डायलॉग सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है इस डायलॉग को अजीत ने फिल्म में दसियों बार अलग अलग लहजे से अलग अलग तरीक़ों से बोला ये डायलॉग इतना मकबूल हुआ कि फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद अजीत को बॉलीवुड का लॉयन कहा जाने लगा अजीत जिन भी फिल्मों में विलन का किरदार निभाते उनकी कुछ चीज़ें फिक्स होती थी जैसे उनके गुर्गों में अधिकतर क्रिश्चन होते थे जैसे जॉन पीटर माइकल रॉबर्ट रॉबर्ट को कभी भी अजीत रॉबर्ट नहीं बोलती थी रॉबर्ट रॉबर्ट करके बोलती थी उनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग ही थी उनकी अधिकतर फिल्मों में उनकी एक गर्लफ्रेंड होती थी और अधिकतर उसका नाम होता था मोना एक दिलचस्प तथ्य यह है कि भारतीय राजनीति के मशहूर नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अजीत के बहुत बड़े वाले फ़ैन थे पत्रकार रामकृष्ण शर्मा बताते हैं कि एक बार रात को तकरीबन दस बजे उनका दरवाज़ा घटकर उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सामने पाँच जन्य पत्रिका के संपादक गिरीश चंद्र माथुर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े हैं दोनों में दस दस रुपये की एक शर्त लगी थी गिरीश चंद्र माथुर का कहना था कि अजीत शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि अजीत हैदराबाद के रहने वाले हैं रामकृष्ण शर्मा ने उनकी बातें सुनकर कहा कि आप दोनों ही सही हैं क्योंकि अजीत शाहजहांपुर के भी रहने वाले हैं और हैदराबाद के भी दोनों ने पूछा कैसे रामकृष्ण शर्मा ने बताया कि अजीत का ददिहाल शाहजहांपुर में है क्योंकि अजीत के पूर्वज अफग़ानिस्तान के कंधार से भागकर भारत के उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस गए थे इसी वजह से उनका पुश्तैनी घर शाहजहांपुर में है और उनकी पैदाइश हैदराबाद में हुई साल 1980 में एक बार अजीत मनाली में अपनी किसी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी मनाली में उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने किसी काम से मौजूद थे उन्होंने अजीत के पास संदेश भिजवाया कि वो शाम की चाय अजीत के साथ लेना चाहते हैं जब अजीत शाम की चाय के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के सामने पहुंचे, तो उन्होंने बड़ी गमजोशी से उनका स्वागत किया उन्होंने अजीत को बताया कि वो अजीत की डायलॉग डिलीवरी के बहुत बड़े फ़ैन हैं लाल कृष्णा आडवाणी के साथ मिलकर उन्होंने अजीत की बहुत सी फिल्में देखी हैं साल उन्नीस सौ इक्यासी आते आते अजीत का मन बॉलीवुड से उचटने लगा था इसका रीज़न ये नहीं था कि वो काम नहीं करना चाहते थे उन्हें बॉलीवुड का काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था अजीत के साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि वो सुबह दस बजे मेकअप कर डायलॉग याद कर संवाद अदायगी के लिए तैयार बैठे हैं मगर हीरो शाम तीन चार बजे तक आ रहा है उन्हें ये स्टार्डम के नखे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे लिहाजा उन्होंने बॉलीवुड से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया रिटायरमेंट लेने के बाद अजीत वापस हैदराबाद आ गए अपने फार्म हाउस में अपने फार्म हाउस में अजीत खेती किसानी करके ज़िंदगी गुजारने लगी तकरीबन सात आठ साल बीत गए इन सात आठ सालों में बॉलीवुड के बहुत से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने कोशिश की कि अजीत फिर से बॉलीवुड में लौट आए और इनमें सबसे अव्वल नाम है प्रोड्यूसर सलीम अख्तर का सलीम अख्तर लगातार सात आठ सालों से कोशिश कर रहे थे कि अजीत उनकी फिल्मों में काम करना स्वीकार कर ले आखिरकार साल उन्नीस सौ में सात आठ साल के बड़े अंतराल के बाद अब जब अजीत का मन एक बार फिर से कैमरे का सामना करने के लिए तड़पने लगा था तब उन्होंने सलीम अख्तर की फिल्म पुलिस अफसर में काम करने के लिए हमी भर दी जैसे ही अजीत ने बॉलीवुड में वापसी की उनके सामने फिल्मों की कताबें लग गई मगर अजीत के बेटे शहजाद खान के मुताबिक बॉलीवुड में वापसी करने से अजीत को नुकसान हुआ जब अजीत हैदराबाद के अपने फार्म हाउस में खेती किसानी करके ज़िंदगी बिता रहे थे तब उनकी लाइफस्टाइल बड़ी ही रूटीनड हो गई थी नियमित खाना रात नौ बजे तक वो सोने के लिए चले जाते थे मगर बम्बई आने के बाद फिर से वही सब शुरू हो गया फिर से वही इनडिसिप्लिन लाइफ स्टाइल हैवी फूड स्मोकिंग एल्कोहल जिसकी वजह से अजीत की जो हार्ट की बीमारी पिछले सात आठ सालों से फार्म हाउस में रहने के दौरान काफ़ी कंट्रोल में थी वो फिर से बढ़ने लगी और आखिरकार 22 अक्टूबर सन उन्नीस को जब अजीत अपनी एक फिल्म की शूटिंग पूरी कर हैदराबाद के अपने फार्म हाउस पर गए हुए थे सुबह सुबह अपने खेत पर ही खड़े हुए थे कि उन्हें अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और उसी वक्त ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई उनकी पत्नी सारा उनकी मौत के 12 साल बाद साल 2010 में इस दुनिया से रुखसत हुई हालांकि इन बारह सालों में वो मेंटली स्टेबल काफ़ी हद तक नहीं थी अजीत के बेटे शहजाद खान भी उन्हीं की तरह एक फिल्म एक्टर बने हालांकि वो उतने सफल नहीं हो पाए उनके दूसरे बेटे आवाज़ खान ने फिल्म एक्टर बनने की कोशिश नहीं की और तीसरे बेटे आबिद को दुर्भाग्य से पोलियो हो गया था अजीत भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं मगर अपनी बैरिटोन वॉइस और यूनिक डायलॉग डिलीवरी के लिए बॉलीवुड में अजीत का नाम हमेशा याद रखा जाएगा